हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपना स्क्रीन पर देख रहे हो, टैबलेट ओवासेट। दोस्तों, ये जो ओवासेट टैबलेट है, मैं इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन, कंपोजिशन एंड वीडियो के एंड पे मैं इस ओवासेट टैबलेट का रिव्यू करूंगा कि इसका कोई इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो ओवासेट टैबलेट है, ये 10 टैबलेट्स का स्ट्रीम में मिलता है। कीमत है 217 रुपये और इसे जो कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है एक्यूमेंटिस हेल्थ केयर लिमिटेड। दोस्तों, ये उसका कंपनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि क्या केमिकल सॉल्ट से इस टैबलेट को बनाया गया है। दोस्तों, ये जो ओवासेट टैबलेट है, इसका हर एक टैबलेट में है मायोइनोसिटोल 1 ग्राम प्लस एल मिथाइल फॉलेट कैल्शियम 100 mcg प्लस कोलीकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन D3 1000 इंटरनेशनल यूनिट। तो दोस्तों, ये उसका कंपोजिशन। तो चलिए आप हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो ओवासेट टैबलेट है, इसका यूज किया जाता है हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी हम ये उन महिलाओं में थे जो महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से सफर कर रही है, यानी PCOD से सफर कर रही है। ठीक है, पहला यूज। एंड सेकेंड पे दोस्तों, इसका यूज किया जाता है फीमेल इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए। तो हम ये उन महिलाओं को देते जिन महिलाओं को PCOD के दौरान प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है ड्यू टू PCOD एंड हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। ठीक है, तो कुछ इसका यूजेस। एंड साथ साथ दोस्तों, ये आपका जो रेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी रेगुलर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कुछ यूजेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डोज एंड ड्यूरेशन के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो रिकमेंडेड एंड एडवाइस डोज है, रोजाना एक टैबलेट सुबह और रात खाना खाने के बाद लगातार 3 महीने तक, जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ डोजेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, साइड इफेक्ट्स के रूप में इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, हाइपरसेंसिटिविटी, इनडाइजेशन, ऐसा कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई मिल सकता है अगर आपको इस टैबलेट के इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो। कुछ साइड इफेक्ट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में कि क्या प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में टैबलेट सेफ है। जी हाँ, तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों ही अवस्था में ये टैबलेट सेफ है, लेकिन प्रेगनेंसी में लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ सावधानी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। ये जो ओवासेट टैबलेट है, इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट कैसा है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ पर मैंने इसके यूज के बारे में बताया है एंड जो डोज एंड ड्यूरेशन में बताया है, अगर उस हिसाब से आप इसे ले रहे हो, उस जगह पर ले रहे हो, तो इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।